तो हम लोग बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग फिजिकल स्टेट में, ठीक है। फिजिकल स्टेट में मेटल जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी कौन सा स्टेट में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड। अब है बात करते हैं नॉन मेटल का। नॉन मेटल के रिगार्डिंग सबसे पहला क्वेश्चन राइज होता है कि आपके पास जानेंगे कौन, या फिर बहुत सारे बच्चों को ये नहीं याद होता है कि मेटल्स कितने हैं या फिर नॉन मेटल्स कितने हैं, या फिर कुछ एग्जांपल अगर देने के लिए बोला जाए तो वो कंफ्यूज कर जाते हैं। तो वो कंफ्यूजन हम सबसे पहले दूर करना चाहेंगे कि नॉन मेटल्स का जो नंबर है, समझ लीजिएगा, नॉन मेटल्स वेरी फ्यू है, 16 या 17 आप मान लीजिए, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा इधर, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस। तो इधर देखिए, ठीक है, टोटल ये हो गया आपका 10। और 6 आपके नोबल गैसेस की बात करें, नोबल गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और ये हो गए रेडॉन। ये सब आपके कहलाते हैं नोबल गैस। कहीं पर आप नोट कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स में आप जनरली ये 10 और ये नोबल गैस को कंसीडर करिएगा। इसके अलावा जितने भी हैं वो आपके मेटल होंगे, बहुत फ्यू हैं जो कि आपके मेटलॉइड में आएंगे। मेटलॉइड का भी हमने यहाँ पर नंबर जिक्र कर देते हैं, मेटलॉइड, ठीक है। तो मेटलॉइड्स की बात करें तो मेटलॉइड हो गया बोरोन, हो गया जर्मेनियम, हो गया सिलिकन, हो गया, ये सब आपके मेटलॉइड्स में आएंगे। आर्सेनिक हो गया, ध्यान दीजिएगा, आर्सेनिक वगैरह जो हो गया ये आपके मेटलॉइड की कैटेगरी में आएंगे। तो ज्यादातर आपके जो मेटल हैं और बहुत कम जो हैं वो आपके क्या हैं, आपके नॉन मेटल हैं, वेरी वेरी फ्यू आपके मेटलॉइड। तो यहाँ पर फिजिकल स्टेट की बात किया गया कि स्टेट कौन सा स्टेट होगा, तो मेटल है आपका सॉलिड स्टेट में, एक्सेप्ट मरकरी। लेकिन नॉन मेटल की बात करें तो दे एग्जिस्ट इन सॉलिड एज वेल एज लिक्विड एज वेल एज इन गैसेस। सॉलिड्स कुछ एग्जांपल देख लीजिए, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, आयोडीन, दीज फोर नॉन मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। लिक्विड में सिर्फ एक नॉन मेटल है, वो है ब्रोमीन। और गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करने वाला ये है हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब वगैरह जो है गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो काफी क्लियर हुआ होगा पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर है फिजिकल स्टेट। सेकेंड पॉइंट इज कलर, कलर की बात करते हैं। तो सेकेंड पॉइंट में अगर कलर की बात करेंगे तो मेटल जो होते हैं, मेटल का सिर्फ एक ही कलर होता है जनरली, मेटल्स आर ग्रे इन कलर। मेटल्स का जो कलर है वो क्या होता है, ग्रे, सिल्वरी ग्रे जनरली बोला जाता है। लेकिन इसके दो एक्सेप्शन आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले एक्सेप्शन की बात करते हैं, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन है, समझते ही हो, ठीक है। तो एक्सेप्शन में सबसे पहले आ जाता है बात कॉपर की आ जाता है, और एक हो जाता है गोल्ड का। सिंबल याद रखिएगा, कॉपर का Cu एंड गोल्ड का क्या हो जाएगा, Au। तो कॉपर का कलर जो होता है वो रेड ब्राउन होता है, मतलब रेडिश ब्राउन हो जाएगा, और गोल्ड का जो कलर होता है वो येलो होता है। अगर इसके अलावा किसी मेटल की बात किया जाए, जिंक का कलर बताइए तो ग्रे बोल दीजिए, ठीक है। अच्छा, मैग्नीशियम वगैरह या फिर एल्यूमिनियम को कभी कभी ग्रे और व्हाइट में सिमिलैरिटी होता है, तो लगभग मान लीजिए, तो एल्यूमिनियम व्हाइट कलर या फिर ग्रे कलर भी बोल सकते हैं। तो लगभग सबका कलर जो होता है वो क्या होता है, ग्रे कलर होता है, क्या होता है, ग्रे। तो अगर नॉन मेटल की बात करें कि नॉन मेटल्स का क्या है, तो नॉन मेटल इज ऑफ डिफरेंट कलर, ठीक है, बहुत वेरिएशन है कलर का यहाँ पर, ठीक है। मेटल जैसा नहीं कि एक ही कलर है, और वो बहुत ज्यादा वेरिएशन है। तो वेरिएशन की अगर बात करें तो सबसे पहले तो कलरलेस भी होते हैं, समझिए कोई कलर ही नहीं, समझे, कलर भी नहीं है, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एयर, आई थॉट यू नो, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये सब जो गैसेस हैं वो कलरलेस गैस है, फ्लोरीन हो गया कलरलेस गैस है। लेकिन कलर की बात करें तो जैसे फॉस्फोरस, रेड भी होता है फॉस्फोरस, और क्या होता है, व्हाइट भी होता है। मैचस्टिक के बारे में आपको भी डिस्कस किया जाएगा, तो आपको फॉस्फोरस का यूज किया जाता है। सल्फर, हिंदी में गंधक कहते हैं, सल्फर इज ऑफ येलो कलर, कौन सा कलर होता है आपका, येलो, तो पॉइंट पता होगा सल्फर के बारे में। आयोडीन आप जानते हैं, आयोडीन जो कॉमन सॉल्ट में ऐड किया जाता है, काफी देखिए चमकता है, ठीक है, उसका भी कलर आपको पता है, ठीक है, आयोडीन हो गया। इसके बाद आपका क्लोरीन, क्लोरीन का जो कलर है वो येलोइश ग्रीन हो जाएगा, येलोइश ग्रीन कलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपके कुछ कुछ का कलर बताया गया, ठीक है। और इम्पोर्टेंट है ब्रोमीन है आपका,
ब्रोमीन याद रखिएगा, ब्रोमीन का कलर रेडिश ब्राउन होता है, एक लिक्विड है, रेड ब्राउन कलर का लिक्विड है। तो मेरे ख्याल से दो पॉइंट्स में आपको कहीं डॉट नहीं होना चाहिए, मेटल एंड नॉन मेटल की दो पॉइंट में कहीं डॉट नहीं होना चाहिए इसमें।